नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। तारीख 22 जनवरी 1999। स्थान ओडिशा का केओंझर जिला। एक पिता और साथ में हैं उसके दो बेटे, एक 7 साल का, दूसरा 10 साल का। बच्चे ऊटी में पढ़ते थे, विंटर वैकेशन बिताने घर आए थे। दोनों पिता से कहीं घुमाने की जिद करने लगे। पिता उन दोनों बेटों को एक जीप में घुमाने ले गए शहर मयूरभंज। यहाँ दिन में वो ईसाइयों के एक प्रोग्राम में हिस्सा लिए, फिर शाम को घर लौटने से पहले रास्ते में पिकनिक मनाने के लिए वे तीनों मनोहरपुर नाम के एक गाँव के बाहर अपना कैंप लगा दिया। यहाँ एक चर्च के बाहर उन्होंने खाना पीना खाया और फिर अपनी उसी जीप में तीनों सो गए। अचानक रात कोई 12 बजे दारा सिंह नाम के शख्स की अगुवाई में 50-60 लोग उनकी गाड़ी को घेर लेते हैं। घेराबंदी करने वाले लोग हाथ में कुल्हाड़ी और फरसे लिए हैं। इससे पहले कि कार में सो रहे पिता और उसके दोनों बेटे कोई समझ पाते, लोग उन पर हमला कर देते हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। अचानक हुए इस हमले से पिता और उसके दोनों बेटे बुरी तरह से दहशत में आ जाते हैं। वे हमलावरों के आगे हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रहम की भीख मांगते हैं, मगर हमलावर उन पर कोई दया नहीं दिखाते। वे उनको बुरी तरह मारते पीटते हैं, फिर पेट्रोल छिड़क कर जीप को आग लगा देते हैं। वो धू धू कर जलने लगती है। चारों ओर शोर ही शोर सुनाई देता है और इस शोर में उन तीनों की आवाज़ें गुम हो जाती हैं। वो हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। अगली सुबह जीप के फ्रेम के साथ तीनों की राख मिलती है। भीड़ ने उस रात 3 लोगों की जान ले ली थी। जलाकर मारे गए ये 3 लोग थे ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स और उनके बेटे फिलिप और टिमोथी। फिलिप 10 साल का था और टिमोथी 7 साल का। ओडिशा का नाम उन दिनों उड़ीसा हुआ करता था। सूबे के आदिवासी बहुल और पिछड़े जिले क्योंझर, मयूरभंज और बारीपदा में ग्राहम स्टेन्स कुछ रोगियों की सेवा सालों से कर रहे थे। वे उनका इलाज करते थे। उस रात उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर एक भीड़ ने हमला कर दिया। इस हमले ने पूरी दुनिया में भारत और इंसानियत को कलंकित किया था। ग्राहम स्टेन्स साल 1941 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में पैदा हुए थे। उनकी उड़ीसा के रहने वाले शांतनु सतपति से दोस्ती हुई और शांतनु ने उनको भारत आने का न्योता दिया। स्टेन्स उड़ीसा के बारीपदा आए, साल था 1965। स्टेन्स भारत आए तो फिर यहीं के होकर रह गए, कभी नहीं लौटे। स्टेन्स ने इवेंजेकिनल मिशनरी सोसाइटी ऑफ मयूरभंज यानी EMSM के साथ मिलकर काम शुरू किया। यहाँ के आदिवासियों के बीच कुछ रोगियों का इलाज करने लगे। साल 1982 में उन्होंने मयूरभंज लेप्रसी होम नाम से एक संस्था बनाई। उन दिनों कुष्ठ रोग को भारत में बड़ा रोग माना जाता था, इलाज मुश्किल था। ऐसे दौर में स्टेन्स ने गरीब आदिवासियों के इलाज का बड़ा जिम्मा उठाया। इसी दौरान उनकी मुलाकात ग्लैडिस से हुई। वे भी कुष्ठ रोगियों की सेवा में लगी रहती थी। 1983 में दोनों ने शादी कर ली। दोनों के 3 बच्चे हुए, एक बेटी एस्टर और 2 बेटे फिलिप और टिमोथी। उड़ीसा में ज़्यादा वक्त बिताने की वजह से स्टेन्स अच्छी उड़िया बोल लेते थे और अपने मरीजों के बीच ज़बरदस्त लोकप्रिय थे, मगर कुछ लोगों को उनके इस काम से नाइत्तेफाक की थी। उन्होंने स्टेन्स को आग के हवाले कर दिया। इस हत्याकांड में पुलिस ने दारा सिंह समेत 13 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दुनिया भर में इसकी आलोचना हुई। आरोपियों के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS से संबंध बताए गए और इसकी वजह से तब की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बुरी तरह आरोपों से घिर गई। हालांकि हिंदुवादी संगठन इस बात से इनकार करते रहे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DP वाधवा की अगुवाई में एक कमीशन बना दिया। जून 1999 में इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि इस हत्याकांड का हिंदुवादी दलों से कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस वाधवा कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दारा सिंह का बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी भी संगठन से जुड़ाव के कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि कमीशन ने यह कहा कि दारा सिंह पहले भी गोरक्षक दल से जुड़ा रहा है और पहले भी गायों की खरीद बिक्री में शामिल मुस्लिमों पर हमला करता रहा है, और वाधवा कमीशन की यह पूरी रिपोर्ट फ्रंटलाइन मैगजीन में छपी हुई है। हालांकि दारा सिंह की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने कई संगठन बनाए और उसकी गिरफ्तारी का विरोध किया। ऐसे संगठनों में दारा सिंह परिजन सुरक्षा समिति, धर्मरक्षक श्री दारा सिंह बचाओ समिति, धर्मरक्षक दारा सिंह सहायता समिति और दारा सेना नाम के कई संगठन सामने आए, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हुआ। उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेन्स और उनके बेटों की हत्या की कड़ी आलोचना की। जांच के लिए 3 कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी मौके पर भेजी। इसके अलावा पुलिस और मैजिस्ट्रियल जांच भी की गई। निचली अदालत ने दारा सिंह को फांसी और एक अन्य शख्स महेंद्र हेमब्रोम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब मामले पर आखिरी फैसला दिया तब दारा सिंह की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। अब महेंद्र हेमब्रोम और दारा सिंह जेल में हैं, अपने किए की सजा काट रहे हैं। तब तक बाहर नहीं आ पाएंगे जब तक उनकी मौत न हो जाए और परिवार में बचे हुए 2 लोग यानी कि ग्राहम स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस और बेटी एस्टर ऑस्ट्रेलिया में हैं।
देश दुनिया की और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। अगर आप इसका यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और गूगल प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल करिए। देखते रहिए, पढ़ते रहिए द लल्लन टॉप.com। शुक्रिया।